हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस थियरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 14, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वीडियो नंबर 3, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग वेनगार्टन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। थोड़ा काम भारी है, एक वीडियो में बस इतना ही काम किया जाएगा। ये लिखा है वेनगार्टन इक्वेशंस और इन्हें याद भी रखना है। आप इन्हें पढ़ोगे जब तो कोई आपको इसमें कोई रिदम कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसलिए इनको याद करना मुश्किल है। इसको हम इससे लिख दिया, डिटर्मिनेंट है 2/2 के, तो शायद याद करने में आसानी हो जाएगी। देखो माइनस आर टू है, फिर प्लस आर वन वाला है इसमें भी, और ई एफ एफ जी एल एम एम एन, तो हमको लगता है कि इसे याद करने से थोड़ा आसान इसे याद करना होगा, इसे याद रखना है आपको। शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था कि जो एन वन एरो और एन टू एरो वेक्टर्स होते हैं, ये को प्लानर विथ आर वन वेक्टर एंड आर टू वेक्टर होता है। तो यहीं से हम बात की शुरुआत कर रहे हैं। वी नो दैट एन वन एरो एंड एन टू एरो आर को प्लानर विथ स्मॉल आर वन वेक्टर एंड स्मॉल आर टू वेक्टर। ये सब को प्लानर है चार के चारों। एन वन एरो इज कोप्लेनर विद दिस एंड दिस, एन टू एरो इज कोप्लेनर विद दिस एंड दिस। तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो किसी को भी अन्य दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ये इंटरमीडिएट में वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा हुआ रिजल्ट है। सो वी कैन राइट एन वन एरो इज इक्वल टू ए आर वन वेक्टर प्लस बी आर टू वेक्टर नंबर वन, एंड एन टू एरो इज इक्वल टू सी आर वन वेक्टर प्लस डी आर टू वेक्टर। आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमने एन वन को भी लिख दिया, एन टू को भी लिख दिया, क्योंकि एन वन इज कोप्लेनर विथ आर वन एंड आर टू, एज वेल एज एन टू इज कोप्लेनर विथ आर वन एंड आर टू। R1 और R2 के साथ बारी बारी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे वन का और इसका, तो हमको दो दो रिजल्ट के दो सेट्स मिलेंगे। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वन विथ वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2 रेस्पेक्टिवली, बारी बारी से respectively we get n1 arrow dot r1 vector is equal to a r1 vector dot r1 vector plus b r1 vector dot r2 vector and n1 arrow dot r2 vector is equal to a r1 vector dot r2 vector plus d a नहीं भाई हाँ a ही तो ठीक a r2 से डॉट कर रहा हूँ तो r1 dot r2 plus b r2 vector dot r2 vector one को हमने r1 से डॉट किया फिर r2 से डॉट किया। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है इसलिए क्रम इधर उधर हो जाए तो चिंता नहीं करिएगा। इंप्लाइज दैट एन वन एरो डॉट आर वन वेक्टर इज इक्वल टू ए कैपिटल ई प्लस बी कैपिटल एफ एंड एन वन एरो डॉट आर टू वेक्टर इज इक्वल टू ए कैपिटल एफ प्लस बी कैपिटल जी। इन दोनों को कंबाइंड नंबरिंग कर दिया हमने 3।
यही ट्रीटमेंट इक्वेशन नंबर टू के साथ करिए। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट्स, taking dot products of two with r1 vector and r2 vector respectively. We get पहले r1 के साथ n2 arrow dot r1 vector is equal to c r1 dot r1 प्लस डी आर वन डॉट आर टू एंड एन टू एरो डॉट आर टू वेक्टर इज इक्वल टू सी आर टू के साथ आर वन डॉट आर टू लिखो चाहे आर टू डॉट आर वन लिखो दोनों बराबर होता है प्लस डी आर टू डॉट आर टू इम्प्लाइज दैट एन टू एरो डॉट आर वन वेक्टर इज इक्वल टू सी कैपिटल ई प्लस डी कैपिटल एफ एंड एन टू एरो डॉट आर टू वेक्टर इज इक्वल टू सी कैपिटल एफ प्लस डी कैपिटल जी इसका कंबाइंड नंबरिंग कर दिया हमने फोर। ढेर सारे रिजल्ट्स कलेक्ट करने हैं तो हम क्या कर रहे हैं इतने हिस्से में रिजल्ट्स लिख दे रहा हूँ बाकी आप कैलकुलेशन इधर करेंगे नहीं तो हम मिटाएंगे सब फिर दिखाई नहीं पड़ेगा और रिजल्ट दिखना चाहिए तभी तो आपको हम समझाएंगे इशारा करके। एन वन एरो इज इक्वल टू ए आर वन वेक्टर प्लस बी आर टू वेक्टर ये है नंबर वन। N2 arrow is equal to C R1 vector plus D R2 vector number 2. N1 arrow dot R1 vector is equal to A capital E plus B capital F. N1 arrow dot R2 vector इज इक्वल टू ए कैपिटल एफ प्लस बी कैपिटल जी ये है नंबर थ्री। एन टू एरो डॉट आर वन वेक्टर इज इक्वल टू सी कैपिटल ई प्लस डी कैपिटल एफ N2 arrow dot R2 vector is equal to C capital F plus D capital G. ये हो गया नंबर फोर। अब हम सबको मिटा दे रहे हैं। आगे जो भी रिजल्ट आएगा हम इसी मार्जिन में लिखते रहेंगे। ये और इतने हिस्से में मिटा मिटा के काम करेंगे। ठीक समझ लेगा ना प्लानिंग तो इसे मिटाते हैं। ये डिफरेंशिएटिंग एन एरो डॉट आर वन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ठीक है ना कि इसको बताना पड़ेगा। हाँ कितने हर वीडियो में तो चर्चा हो रहा है ये परपेंडिकुलर होते हैं ना डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा विथ रेस्पेक्ट टू यू एंड वी बारी बारी रेस्पेक्टिवली वी गेट पहले यू के रेस्पेक्ट में एन एरो डॉट आर वन वन प्लस एन वन एरो डॉट आर वन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो कामा फिर वी के रेस्पेक्ट में एन एरो डॉट आर वन टू वेक्टर
प्लस एन टू एरो डॉट आर वन इज इक्वल टू जीरो। पहचानिए नोटेशन, ये नोटेशन इसके लिए क्या होता है, एल एल प्लस एन वन एरो डॉट आर वन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या चीज है, एम प्लस एन टू एरो डॉट आर वन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट एल प्लस एन वन डॉट आर वन की वैल्यू देखो यहां पे, ये कितना है, ए ई प्लस बी एफ इक्वल्स टू जीरो, एम प्लस एन टू डॉट आर वन सी ई प्लस डी एफ इक्वल्स टू जीरो implies that AE plus BF plus L equals to 0 and CE plus DF plus M equals to 0। इनको भी सम्मिलित रूप से नंबर डाल दिया हमने 5, इसे उतार ले यहाँ पे, AE plus BF plus L equal to 0, सी ई प्लस डी एफ प्लस एम इक्वल टू जीरो, नंबर 5। यहां पे लॉजिक लिखना चाहते लिख दो बाई 3 और 4। डिफरेंशिएटिंग एन एरो डॉट आर टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो विथ रेस्पेक्ट टू यू एंड वी रेस्पेक्टिवली। वी गेट पहले यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एन एरो डॉट आर वन टू वेक्टर प्लस एन 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 वन एरो डॉट आर टू वेक्टर इक्वल टू जीरो, यू के रेस्पेक्ट में कर दिया हमने। फिर v के रेस्पेक्ट में करिए, n एरो डॉट r22 वेक्टर प्लस n2 एरो डॉट r2 वेक्टर इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट, इसे पहचानिए क्या है, कैपिटल M है, प्लस n1 एरो डॉट r2 वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ये कैपिटल N है, प्लस n2 एरो डॉट r2 वेक्टर इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट एम प्लस एन वन डॉट आर टू, नंबर ये एन वन डॉट आर टू, ए एफ प्लस बी जी, ए कैपिटल एफ प्लस बी कैपिटल जी इक्वल्स टू जीरो, एन प्लस एन टू आर टू, एन टू आर टू ये है, सी एफ प्लस डी जी, सी कैपिटल एफ प्लस डी कैपिटल जी इक्वल्स टू जीरो। यहां पे लिख दे बाई 3 और 4, इंप्लाइज दैट ए एफ प्लस बी जी प्लस एम इक्वल्स टू जीरो, सी एफ प्लस डी जी प्लस एन इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया नंबर 6। ए एफ प्लस बी जी प्लस एम इक्वल टू जीरो, सी एफ प्लस डी जी प्लस एन इक्वल्स टू जीरो, इतने इक्वेशंस आए। ठीक, समझ लिए ना, बहुत आसान है। अब ये है कि जो क्रम चल रहा है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये सब तो ध्यान रखना पड़ेगा। वेनगार्टन इक्वेशन से देखो, मैं अक्सर ही बोलता हूँ, जितने भी नेम्ड इक्वेशंस हो, चाहे नेम्ड थ्योरम्स हो, उनके जो प्रूफ्स होते हैं वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं।
इसीलिए किसी के नाम पर चल रहे, तो वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब पहले बात को समझ लो, देखो इसको और इसको ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू आएगी, उसको ले जा करके यहाँ रख दो, तो वेनगार्टन का पहला इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसको इसको लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करो, सी और डी की वैल्यूज आ जाएंगी, उनको इसमें रखोगे तो वेनगार्टन का दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। यही हम करने जा रहे हैं। टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फाइव एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिक्स वी हैव ए प्लस बी एफ, ए प्लस बी एफ प्लस एल इक्वल्स टू जीरो, ए एफ प्लस बी जी प्लस एम इक्वल्स टू जीरो। सॉल्विंग दीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सॉल्विंग दीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वी है ए अपॉन बी, कॉमन है ना तो बी छोड़ के, एफ एम माइनस जी एल, एफ एम माइनस एल जी लिखो चाहे जी एल लिखो, इज इक्वल टू, देखो या तो माइनस बी अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करो, और जो माइनस नहीं लिखोगे तो फिर उल्टा गुणा करो। तो ये आपको समझना है, हम माइनस नहीं लिखते। अब हम इसको ढक लिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ना करके उल्टा करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि एफ एल माइनस ई एम, एफ एल माइनस ई एम। तीसरे कॉलम में कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन मान के वन अपान लिखते हैं। अब इसको छोड़ दिया, सीधा गुणा उल्टा गुणा सीधा गुणा, या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सभी में गुणा सीधा, तो ये हो जाएगा ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ई जी माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपान एच स्क्वायर, पहचान रहे ना इसको। इस प्रकार से ए और बी की वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू एफ एम माइनस एल जी अपॉन एच स्क्वायर एंड बी इक्वल्स टू एफ एल माइनस ई एम अपॉन एच स्क्वायर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन वी गेट देखो दाहिनी तरफ जब ए और बी की वैल्यू रखोगे तो नीचे एच स्क्वायर लटक रहा है, इसको हम इधर कर दे रहे हैं बाई तरफ, तो हो जाएगा एच स्क्वायर एन वन एरो इज इक्वल टू एफ एम माइनस एल जी मल्टीप्लाइड बाई आर वन वैक्टर प्लस एफ एल माइनस ई एम मल्टीप्लाइड बाई आर टू वैक्टर। यही वेनगार्टन का पहला इक्वेशन है। मिला लें, हमको याद भी नहीं वेनगार्टन का इक्वेशन कहाँ गया भाई, एच स्क्वायर एन वन एफ एम माइनस एल जी और एफ एल माइनस ई एम, बिल्कुल ठीक है। मिटाते अब पांच और छह में से ये दोनों दूसरा लीजिए। टेकिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ फाइव एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ सिक्स वी हैव सी ई प्लस डी एफ
प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, सी ई प्लस डी एफ प्लस एम, फिर सी एफ प्लस डी जी, सी एफ प्लस डी जी प्लस एन इक्वल्स टू जीरो. सॉल्विंग दीज बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सॉल्विंग दीज बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्रगुणन की विधि हिंदी में कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. वी हैव सी अपॉन एफ एन माइनस जी एम, एफ एन माइनस जी एम इज इक्वल टू डी अपॉन उल्टा गुणा एफ एम माइनस ई एन इज इक्वल टू वन अपॉन सीधा गुणा ई जी माइनस एफ स्क्वायर, और ई जी माइनस एफ स्क्वायर माने एच स्क्वायर, इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू एफ एन माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर, डी इज इक्वल टू एफ एम माइनस ई एन अपॉन एच स्क्वायर. पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन टू, putting these values in equation 2, we get h square से गुणा भी करके लिख रहा है, h square n2 arrow is equal to fn minus gm multiplied by r1 vector plus fm minus en multiplied by r2 vector. ये Van Garten का second equation है. Van Garten का सेकेंड इक्वेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशंस हैं ये, इनको आपको याद रखना पड़ेगा. एग्जामिनेशंस में भी हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, Van Garten इक्वेशंस खूब पूछे जाते हैं. हाँ, इसको चेक कर लूँ सही है कि नहीं. एफ एन माइनस जी एम और एफ एम माइनस ई एन, ठीक है, एकदम ठीक है. अगले वीडियो में हम आपको कुछ सेलेक्टेड सरफेसेस पर सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करना सिखाएंगे, बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज करा दें, दो चार एग्जांपल करा दें. थैंक यू वेरी मच.